हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो बोर्ड में आपको देने जा रहे हैं वो Vivo Y30 का है, जिसमें डिस्प्ले लाइट वर्क नहीं करती है। कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ जाती है, कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है और किस लाइन पे हमें वोल्टेज देखने हैं, कौन से हमारी बूस्ट कॉइल है, ये सारी जानकारी इसमें मिलने वाली है। क्योंकि जो भी हमारी VPS पावर लाइन होती है वो हमारी बूस्ट कॉइल पे जाके IC के अंदर जाती है, और एक पॉइंट जो हमारा होता है जिसपे हमें 3.4 से 4.2 तक वोल्टेज जो मिलते हैं वो हमें डिस्प्ले कनेक्टर पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पैरों का निशान देख पा रहे हैं। ये हमारी जो लाइन है LED DA और LED D के जो येलो कलर की लाइन है, ये जब आपस में स्विचिंग करते हैं, इसमें जब हम डिस्प्ले लगाते हैं तभी आपस में स्विचिंग करते हैं। और ये जो हमारी रेड कलर की लाइन है, ये हमारी VPS पावर लाइन है, जो कि हमारी चार्जिंग IC से आती है और किसी किसी मोबाइल में पावर IC से आती है। ये देखिए, हमारी जो IC दिख रही है, ये हमारी VPS पावर लाइन है और ये चार्जिंग IC है। इस पर जो वोल्टेज देखने को मिलते हैं वो 3.7 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलते हैं, और जो भी कंपोनेंट्स और ये जो बक कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है ये सब ओके होना चाहिए, तभी हमारी लाइट वर्क करती है। और इस वीडियो से अगर आपको ज़रा सी भी हेल्प हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को देख के आप मोबाइल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।